क्या नाम है आपका? सबसे पहले सभी को जय श्री राम, मेरा नाम है शबनम शेख। कहाँ से आ रही हैं आप? मैं मुंबई से आ रही हूँ, पैदल यात्रा करते हुए अयोध्या जा रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए, और आज टोटल मुझे हो चुके 31 डे। पैदल टोटल आप कितने लोग जा रहे हैं, अकेले हैं कि साथ में और भी लोग हैं? हम 4 लोग हैं, मेरे को मिला के 4 लोग, मैं अकेली नहीं हूँ। आप मुस्लिम धर्म से हैं, फिर एकदम आपको कैसे राम जी की याद आई, कैसे आपने सोचा कि मुझे अयोध्या जाना है, राम भक्ति करनी है, मतलब एक कैसे ये विचार आपके दिमाग में आया? देखिए, सबसे पहले तो मुझे राम जी से प्रेरणा मिली है, और ये अचानक से विचार नहीं आया, ये राम जन्मभूमि है, राम जी की नगरी है, राम जी का धरती है, और मैं बचपन से राम जी को मानती हूँ, और ऐसा शुभ अवसर आया है तो मैं उस शुभ अवसर में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और राम जी के दर्शन करने निकली हूँ। आप मुस्लिम हैं और ऐसे में आपको विरोध का सामना करना पड़ा होगा, आपकी बिरादरी के जो भी हैं लोग उन्होंने भी कहा होगा, ना ही किया होगा, तमाम बंदिशें रहती हैं, क्या है थोड़ा इस बारे में बताएंगी, कैसे सामना किया आपने इन सब चीजों का? सामना क्या करना, मीडिया साथ है, प्रशासन साथ है, लोग साथ है, सभी हिंदू भाई साथ में है, हमेशा साथ में रहते हैं, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बीजेपी वाले, तो डर ही नहीं है किसी का भी। बाकी विरोध करते हैं कुछ मौलाना, मैं उनके बात को इग्नोर करती हूँ, ज्यादा माइंड में नहीं लेती हूँ, बाकी उनको रिप्लाई दूंगी। मुंबई जाके भी यात्रा में हूँ तो पॉजिटिव चीज करना चाहती हूँ। क्या इसके अलावा आपके परिवार के लोगों ने आपको सहयोग दिया? बिल्कुल, मेरे परिवार ने मुझे सहयोग दिया, इसलिए आज मैं बांदा में खड़ी हूँ, वरना आजकल बच्चा घर से अकेले निकलता है तो माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, चाहे वो कार से हो या ट्रेन से हो, लेकिन मैं तो पैदल निकली हूँ, मेरे माँ बाप का फुल समर्थन है। मुंबई से अयोध्या की कितनी दूरी है और कब तक आप अयोध्या पहुंचेंगी? मुंबई से जहाँ से मैं निकली हूँ वहाँ से 1425 या 50 किलोमीटर है, और अभी तो मेरा मकसद था कि मैं प्राण प्रतिष्ठा के दिन पहुँचूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लोग मिलते हैं, तो सबसे हम राम राम दुआ सलाम करते हुए जाते हैं।